तो गाइस कैसे हो सारे लोग। हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं एक सिस्टम का सिस्टम हैंग करने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक देखना, एंड में एक तगड़ा मास्टरपीस है आप लोगों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सीएम हरियाणा के वो भी थे जी, तो आपका मंच पे आते ही क्या था कहना कि अब मैं राजनीति करूंगा? नहीं, वो पॉलिटिकल मीटिंग के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ अपना आशीर्वाद देने आए थे और सम्मानित करने आए थे। हमने भी उन्हें सम्मानित करा, उन्होंने भी बराबर का हमें सम्मानित करा। तो वैसा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सब चीज पर्सनल। तो यार सीएम साहब बिग बॉस वाले को सम्मानित कर रहे हैं, अगर इसी तरह से और रेसलर को भी सम्मानित करते तो शायद इज्जत बढ़ जाती, लेकिन इनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। और इज्जत, राजनीति और इज्जत का तो दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता है नहीं यार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लड़का हमारा कमाता कितना है? तो लड़का हमारा कमाता कितना है भाई? तुम लोग न्यूज चैनल बंद कर दो यार, सास बहू बनो, ऐसे भी बहुत बढ़िया धंधा चलेगा तुम्हारा उसमें। इस वक्त पंगा चल रहा है सोशल मीडिया पे। आज जो हमारे बॉक्सर हैं विजेंद्र, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है एक कि हमारे जो पदक बॉक्सर एक्टर विजेंद्र यादव, उनका कहना है कि नहीं मेरे। तो एल्विश भाई, अगर विजेंद्र सिंह का गलती से एक मुक्का पड़ गया ना, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा तुम्हारा, और विजेंद्र सिंह क्या पूरे रेसलर्स का नाम फिर रट के फिरोगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज सेकंड क्या करना है? अब मैं खोलूंगा एक प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस। अच्छा, उसमें फिर मैं प्रॉपर्टी बेचना शुरू करूंगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का? या अच्छा खासा बिजनेस है इसमें तो पूरा। यार इस पे भरोसा मत करो यार, ये वही बंदा है जो बिग बॉस को रोस्ट करता था और कहता था मैं जाऊंगा ही नहीं, लेकिन आगे आप लोग सबको पता है ये वही बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट तक बोलते हैं कुछ पढ़ाई नहीं की और फिर भी एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर ले के आते हैं। तेरे संग संग हम चल पड़े कितने दफा, तेरे पीछे भी हम थे कभी मेरे जान जा। तो यार चश्मा उतार के पहनने को तुम लोग टैलेंट बोलते हो? यार मैं तो बहुत टैलेंटफुल यार। मैं तुमको चुने, बस बात दिल की सुने, दुनिया को भूल के चुने, बस बात दिल की सुने। सही कास्ट है भाई, उर्वशी मैडम को भी कहाँ एक्टिंग आती है, और तुम तो एक्टिंग के बादशाह हो यार, तुम्हारे लिए एक्टिंग का मीनिंग संस्कृत में टट्टी है। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। कणी कणी सयाणी छोरी टट्टी टट्टी ताक के लिकड़ी सारे मौके नाप के छोरा के खंड। तो एल्विश भाई थोड़ी सी लिपसिंग भी कर लो यार, क्या हर वीडियो में खुले सांड की तरह घूमने लग जाते हो बस। रुक जा भाई, पहले इसकी एक्टिंग देख ले, फिर लिपसिंग पर बात करना। मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, भाई लगता है बाथरूम ढूंढ रहा है, इतनी भारी एक्टिंग से लगता है प्रेशर बन गया है आज। अरे ये क्या बवासीर है भाई, मेरे घर का जो 1.5 महीने का बच्चा है वो भी तेरी एक्टिंग देख के बोल पड़ा। ये क्या बवासीर बना दिया तुम तो, एक सेकंड रुको यार, तुम तो सलमान भाई और टिकटॉकर्स की एक्टिंग को रोस्ट करते थे और आज खुद ही शुरू हो गए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तुम्हारा सिस्टम हैंग नहीं हुआ है, तुम्हारा सिस्टम टूटा हो चुका है। और भाई अब तुम एक सेकंड भी लेट मत करो यार, पहली फुर्सत में तुम निकलो। अब बॉलीवुड में कुछ नहीं धरा है तुम्हारे लिए, हॉलीवुड निकलो तुम। भाई क्या
ये कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई, अरे भाई ऐसी क्या मजबूरी थी यार, ऐसे लोग भारत में ही रहते हैं क्या? और भाई ये नहीं बोलूंगा कि ये क्या है, ये लोग क्यों हैं मतलब देश में? भाई तुम लोग नॉर्थ कोरिया निकलो भाई, भारत में तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो भाई इस वीडियो को खत्म करते हैं यार, तब तक मैं भी थोड़े रील्स बना लेता हूँ, टिकटॉक पे भी जाना है। और तब तक यार तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पे कमेंट करो अगर अच्छा लग रहा है तो, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। चलो बाय बाय।